अस्सलाम बच्चों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्शन और मैप कैसे यूज करते हैं ये सीखने वाले हैं, जिसमें हमने एक रिया नाम की लड़की का मैप बनाया है, जिसमें हम सीखेंगे कि रिया कैसे अपने घर से स्कूल जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं रिया का घर कहाँ पे है। रियाज हाउस, वेरी गुड। और रिया स्कूल कहाँ पे है? वेर इज रिया स्कूल? वेरी गुड, रिया की स्कूल, वेरी गुड। और पुलिस कॉलोनी कहाँ पे है? पुलिस कॉलोनी, यस, पुलिस कॉलोनी कहाँ पे है? वेरी गुड। और अभी रिया, रिया को अगर उसके घर से स्कूल जाना हो तो वो कैसे जाएंगी? वेरी गुड, आप बताओ। वेरी गुड। तो रिया कैसे जा सकती है? यहाँ से इस तरीके से ये डायरेक्शन लेके फिर रिया स्कूल पहुंचेंगी। और एक एक डायरेक्शन से रिया जा सकती है, यहाँ से ये रूट से जा सकती है, ये रोड से, है ना? तो दो तरीके से रिया अपने घर से स्कूल जा सकती है कि नहीं? और सेंट्रल मार्केट कहाँ पे बताओ? वेरी गुड। और रिया के सामने क्या है ये चीज? पार्क, वेरी गुड। और जब रिया अपने घर से स्कूल जाती है तो उसको रास्ते में कौन कौन सी चीजें दिखती है? बनाना ट्री, यस, होटल, हॉस्पिटल, पुलिस कॉलोनी, बस स्टॉप, रिया स्कूल। वेरी गुड, एंड पार्क भी। रिया इस तरीके से जाती है, वहाँ पे उसको बनियान ट्री दिखती है, उसके रास्ते में उसको होटल भी दिखता है, उसको बस स्टॉप भी दिखता है, उसको पुलिस चौकी भी दिखती है, और हॉस्पिटल भी दिखता है, और पार्क भी दिखता है। फिर वो रिया स्कूल पहुंच जाती है ना? हाँ। और पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बताओ? यहाँ पे, वेरी गुड। और स्टैचू दिख रहा है आपको? स्टैचू कहाँ है? वेरी गुड। और रिया की फ्रेंड का घर कहाँ पे है? रिया फ्रेंड हाउस, वेरी गुड। आपको समझ आया कि किस कैसे कैसे हमने डायरेक्शन देखे कि कैसे रिया अपने घर से स्कूल जा सकती है ना? हाँ। तो आप लोग भी अपने अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपको क्या क्या चीजें दिखती है ना? वो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीजें दिखती है आप अभी देखेंगे, और अपने अपने क्लासरूम में आके क्लासमेट को बताएंगे कि आपको आपके घर से लेकर स्कूल जाने तक की कौन कौन सी चीजें नजर आ रही है ना? ठीक है, समझ आया सबको डायरेक्शंस और मैप रिया के घर का और स्कूल, जो भी रिया जहाँ पे भी रहती है उसके आसपास का? समझ आया? यस, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू।